नीमच में अब जिला प्रशासन का शिकंजा तेल माफिया पर। तेल माफिया राजेंद्र कुमार बाकलीवाल के प्लांट और किराना शॉप पर छापामार कार्रवाई। बड़ी मात्रा में मूंगफली एसेंस मिक्स किया सोयाबीन का तेल पकड़ाया। तेल माफिया बाकलीवाल अब आया प्रशासन के शिकंजे में। नीमच में आज जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने शहर के बड़े तेल माफिया बाकलीवाल किराना के संचालक राजेंद्र कुमार बाकलीवाल के प्लांट और किराना शॉप पर छापामार कार्रवाई की, जहां पर बड़ी मात्रा में मूंगफली के एसेंस मिक्स किया सोयाबीन का तेल जो कि मूंगफली के नाम पर लोगों को बेचा जा रहा था वो पकड़ाया है, जिसकी सैंपलिंग करने के बाद प्रशासन की टीम ने तेल माफिया राजेंद्र कुमार बाकलीवाल के प्लांट को सील कर डाला है। किस तरह तेल का ये गोरखधंधा बाकलीवाल की ये फर्म कर रही थी, इसे लेकर हमने खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा से खास बातचीत की। प्रदेश में इस समय जो है मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है और लगातार छापामार कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नीमच में भी लगातार कार्रवाइयां पिछले 3 से 4 दिनों में हो रही है और आज भी जो है बाकलीवाल किराना स्टोर पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, जहां पर छापामार कार्रवाई के दौरान कई चीजें वहां पर गड़बड़ियां पाई गई है, जिसमें ये खास तौर पर चीज निकल के आई है कि कहीं ना कहीं सोयाबीन का तेल जो है मूंगफली के अंदर कन्वर्ट करके और बेचा जा रहा था, मिस ब्रांड भी कहेंगे उसके सामने आई है मिस ब्रांड को लेकर भी। हमारे साथ खाद्य अधिकारी खुद मौजूद है संजीव मिश्रा, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की शिकायतें उनके पास आ रहे थे और क्या कार्रवाई। संजीव बताइए किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन यहाँ करने में लगा और किस तरह की लगातार शिकायतें आपके पास आ रही है और क्या वास्तव में जो है मिलावट सामने आ रही है। प्रशासन और खाद्य विभाग को इसमें लगातार सूचना मिल रही थी कि रूपजी ब्रांड से बाकलीवाल किराना स्टोर जो फर्म है इनका इंडस्ट्रियल एरिया में भी फैक्ट्री है और यहाँ पे गोडाउन और रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों है, इनके द्वारा सोयाबीन ऑयल को एसेंस मिला के ग्राउंडनट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी मात्रा में सोयाबीन ऑयल खरीदते हैं लेकिन मार्केट में केवल जो है ग्राउंडनट ऑयल बेचा जाता है इनके द्वारा और सभी को बिलिंग भी जो है सोयाबीन ऑयल की करते हैं ये। और इसके अंदर मुख्यतः ये देखा गया है कि इन्होंने मिसलीड करते हुए ग्राउंडनट की स्पेलिंग में से ना तो ग्राउंड पूरा सही आ रहा है उसमें से डी गायब कर लिया है और नट की स्पेलिंग में से एन भी हटा दिया है उसके अंदर से। तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत मिसलीडिंग का केस तो बनता ही है और अंदर जो क्वालिटी है उसकी विस्कोसिटी जो हम लोगों के द्वारा चेक की गई और उसको मसला गया तो देखा गया कि सोयाबीन का ही तेल की विस्कोसिटी उसके अंदर दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टया, केवल एक तीव्र गंध जो ग्राउंडनट की आती है वो दिखाई दे रही है और थोड़ी देर के बाद में वो गंध गायब हो जाती है, जबकि असली तेल मूँगफली का जो होता है उसके अंदर गंध नहीं जाती है। तो इसमें पूरा 100% ये डाउट है कि सोयाबीन तेल के अंदर एसेंस मिलाया गया है और उसको ग्राउंडनट ऑयल में कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे इनका प्लांट है वहाँ भी भारी मात्रा में इनका स्टॉक मौजूद है जिसको पैक किया गया है, उन सभी के नमूने लिए जा रहे हैं और उसके साथ में पूरा स्टॉक इनका फैक्ट्री का और यहाँ पे गोडाउन का ये दोनों ही जब्त किया जाएगा, उनकी खिलाफ प्रकरण करके और फैक्ट्री सील की जाएगी। एसेंस मिला रहे हैं क्या ये घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी है, ये केवल इस जो है मिलावट के कारण है जो इस पर प्रकरण बनेगा या आगे भी इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? इनके लिए आगे भी इसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, अभी इसेंस यहाँ पे मिला नहीं है, अभी वो डाउट है कि इसके अंदर हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे घर भी इनका चेक कर लिया है, यहाँ पे गोडाउन भी चेक किया गया है, इंडस्ट्री भी चेक की गई है, वहाँ पे मिला नहीं है। इनका ये कहना है कि हमने इसके अंदर मूंगफली और सोयाबीन का ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल ये मिक्सिंग करते हैं, तो अगर मिक्सिंग करते हैं तो इनको उसमें परसेंटेज मेंशन करना चाहिए जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया है, जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन है और इस प्रकार की जो शिकायत आ रही थी इसी के लिए इनका स्टॉक जो है पूरा सीज किया जा रहा है। तो इस हमारे साथ में खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सोयाबीन तेल के अंदर जो है मूंगफली के एसेंस मिला करके उसको मूंगफली के नाम से मूंगफली तेल के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था और कहीं ना कहीं मिस ब्रांड भी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी उसके अंदर है, कहीं ना कहीं ग्राहकों को भ्रमित करने का काम यहाँ पे जो है बाकलीवाल किराना के जो फर्म है और जो इनका जो ब्रांड है रूपश्री वो कर रही थी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी शासन इनके ऊपर किस तरह की सख्त कार्रवाई करता रहेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतरबे के साथ वॉइस ऑफ अंपी के लिए शामपुर जगह।